लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े तीन नए बिल पास हो गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ये तीनों बिल पेश किए थे जो अब लोकसभा से पास हो चुके हैं। इन विधेयकों को आज राज्यसभा में रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए हैं। रोड एक्सीडेंट करके भागना महंगा पड़ेगा और हादसे के बाद में भाग जाने पर 10 साल की सजा भी होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इटली का है तो कभी समझ में नहीं, और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूर परिवर्तन लेकर मैं आया हूँ। न्यू इंडिया में अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म हो रहे हैं। मोदी राज में अब गुलामी की निशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है। इसको लेकर लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए हैं जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया। इस दौरान सदन में अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर मन इटली का हो तो कानून कभी समझ नहीं आएगा। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मानवर मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। इन तीन विधेयक में एक है इंडियन पेनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। बिल के मुताबिक नए कानूनों के तहत कुल 313 बदलाव किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा, भड़काऊ भाषण पर 5 साल की सजा, गैंगरेप में दोषी को आजीवन कारावास, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की सजा, अपराधी का रिकॉर्ड होगा डिजिटल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून के तहत देश दो जैसे कानून निरस्त कर रहे हैं। साथ ही कहा कि इस विधेयक के तहत लक्ष्य तय किया है कि दोष सिद्धि की दर को 90% से ज्यादा किया जाए। नए विधेयक में भीड़ की तरफ से पीट पीट कर हत्या करने के मामले से संबंधित नए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। करीब करीब 150 साल पुराने तीन कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूर परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। बिल पास होने के बाद अमित शाह ने साफ कहा कि गुलामी की निशानी से भरे हुए कानूनों को हम हटा रहे हैं, दंड देने वाले नहीं बल्कि न्याय दिलाने वाले कानून हम ला रहे हैं। यानी मोदी सरकार का फोकस महिला अपराध के साथ ही तमाम आपराधिक मामलों में नए कानून के तहत कमी लाना है, जिसमें गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या उम्र कैद, तो नाबालिग से रेप केस में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।